विदिशा में सिविल लाइन पुलिस ने महिला को चरस गांजे के साथ पकड़ा है। उसके पास से 506 ग्राम चरस और 2 किलो 115 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। जब्त सामान की कीमत करीब 6 लाख रुपए आकी गई है। महिला पर पहले से एनडीपीएस के कई मामले दर्ज हैं। सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्टेशन के पास में एक महिला बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करने के लिए खड़ी हुई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी शाहबाज खान ने एक टीम को स्टेशन रवाना किया। पुलिस ने मौके से महिला को पकड़ा और तलाशी ली तो बड़ी मात्रा में चरस और गांजा बरामद हुआ और महिला को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध नशा व्यापारियों तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया गया। उसी तारतम्य में थाना सिविल लाइन की टीम घर पकड़ के लगी थी। पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशन के पास एक महिला भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ चरस एवं गांजा सप्लाई करने के लिए खड़ी है। पुलिस टीम ने रेड किया तो सुनीता वाइफ ऑफ श्याम कुछवंदिया निवासी शेरपुरा टीला को पकड़ा, जिसके कब्जे से करीब 2 किलो 115 ग्राम गांजा एवं 506 ग्राम चरस, दोनों कुल कीमती करीब 6 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। महिला के विरुद्ध पूर्व में भी 3 एनडीपीएस के प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जो विचारण में चल रहे हैं। आज उसे न्यायालय पेश किया जा रहा है।